नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे कि भारत के लिए आने वाला 4 से 6 सप्ताह चुनौतीपूर्ण क्यों होने वाला है। जी हां, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने कहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के मुताबिक जो ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है उसके मुताबिक 11 जून तक मरने वालों की संख्या 4,04,000 होने वाला है। निश्चित तौर पर अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो सबसे ज़्यादा मौतें दर्ज की गई हैं और इनकी संख्या 3780 है। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रेंड बढ़ रहा है। डेथ की संख्या रोज़ अगर 24 घंटे की बात करें तो वो बढ़ता जा रहा है। इसलिए ये एजेंसी एक मैथमेटिकल बेस्ड मॉडल तैयार करके उनका प्रेडिक्शन है कि अगले 11 जून तक इस तरह की भयावह स्थिति भारत को देखना पड़ सकता है। अगर मैं इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स की एंड इवोल्यूशन की बात करूं, जो यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन से ताल्लुक़ रखता है, उन लोगों ने फोरकास्ट किया है कि जुलाई तक कोरोना की वजह से मरने वालों की संख्या और 1,18,000 के आसपास हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी तक कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 2,26,000 है। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केसेस जो दर्ज हुए हैं, नए केसेस जो दर्ज हुए हैं, उनकी संख्या 3,82,000 है और अभी तक कोरोना की वजह से जो रिकॉर्डेड मौत है, मृत्यु है, वो 2,26,000 है। उनमें अगर ये और एडिशन होता है तो आप समझ सकते हैं कि मरने वालों की संख्या कितनी ज़्यादा हो सकती है। और इसीलिए इन एजेंसीज का ये कहना है कि आने वाला 4 से 6 सप्ताह भारत के लिए बहुत टेस्टिंग टाइम है, बहुत चुनौती भरा समय है। और दरअसल उनके कहने का ये वजह भी है, उनका ये कहना है। अगर मैं आशीष झा की बात करूँ, आशीष झा डीन है और वो एक रेपुटेड फॉरेन इंस्टीट्यूट के डीन है और उनका ये कहना है कि भारत में जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत जगह टेस्टिंग नहीं हो पा रही है और टेस्टिंग नहीं होने की वजह से असली फिगर हमारे पास नहीं आ पा रहा है, लेकिन फिर भी भारत का पॉजिटिविटी रेट 20% के आसपास है। और अगर फैक्ट्स सही रूप में सामने आए तो पॉजिटिविटी रेट 40% के आसपास हो सकता है। अगर आप ये समझें कि WHO के मुताबिक पॉजिटिविटी रेट 5% से ऊपर ही खतरनाक बताया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि इन आंकड़ों को, इन डेटा को कोट करके ये एजेंसीज हमें क्या बताना चाह रही हैं। हमें ये बताना चाह रही हैं कि अगला 4 से 6 सप्ताह हमारे देश के लिए किस तरह से भयावह होने वाला है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो इन्फेक्शन का ऑलरेडी 20 मिलियन लोग भारत में इन्फेक्टेड हो चुके हैं, इसीलिए कहा यह जा रहा है कि भारत जैसे देश में अगर ठीक ढंग से इसको हैंडल नहीं किया जा सका तो निश्चित तौर पर ये बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बन सकता है। और परेशानी का सबब का मतलब साफ है कि जिस तरह से अमेरिका में 5,78,000 लोगों की मौत कोविड की वजह से हुई है, तो भारत भी इन आंकड़ों को छू सकता है। आप समझ सकते हैं इन लोगों की वार्निंग इस तरह की है। तो निश्चित तौर पर आने वाला 4 से 6 सप्ताह भारत के लिए चुनौतीपूर्ण होगा और ये साफ तौर पर जो यहाँ की एजेंसीज हैं उनको तमाम चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा और लोगों को भी इसमें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा ताकि भारत के लिए जो ये आने वाला समय है वो इस रूप में भयावह नहीं हो। अगर मैं हेल्थ मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन की बात करूं तो उनका ये कहना है कि जो 12 स्टेट जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे थे कोविड केसेस में, अब वहां पर कोविड केसेस का ग्राफ जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, वो नीचे गिर रहा है, प्लेटू फॉर्म कर रहा है। और उनमें मुख्य तौर पर इन स्टेट्स का नाम है जैसे दिल्ली है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र और इस तरह के 12 स्टेट्स हैं। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जिनमें ग्राफ ऊपर बढ़ता जा रहा है और उन स्टेट्स में बिहार है, उत्तर प्रदेश है, इन तरह के स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल है, जहां पर ग्राफ अभी भी ऊपर बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पर ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है तो खतरे का अंदेशा है। यहां कोविड की महामारी व्यापक रूप में दिखाई पड़ सकती है, इसलिए आने वाला समय 4 से 6 सप्ताह भारत के लिए इसीलिए भयावह बताया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि कोविड केवल जान ही नहीं लेता,
कोविड हमारी जो जीवन है उसको व्यापक रूप से प्रभावित करता है और वो देश का इकोनॉमी भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है। इसीलिए ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स ने जो प्रोजेक्ट किया है, जो प्रेडिक्ट किया है, उसके हिसाब से भारत का जो ग्रोथ है मार्च 2022 में 12.6% से 10.7% पर पहुंच जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कोरोना की वजह से, कई राज्यों में लॉकडाउन की वजह से भारत का जो इकोनॉमी है वो भी बुरी तरह से प्रभावित होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ख़राब इकोनॉमी को अच्छी नीतियों के सहारे तो निपटा जा सकता है, उसे इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन एक एक जान भारत के लिए बेहद कीमती है। इसलिए हम और आप अपने जीवन की बेहतर सुरक्षा के लिए तमाम कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल का पालन करें और बेहद ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। लेकिन घर से बाहर निकलने पर निश्चित तौर पर हम सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को भी लगाएं ताकि हम इससे बच सकें, और घर के अंदर भी जो अपने लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनसे एक डिस्टेंस का पालन करें और उसके अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा समय हम मास्क लगाएं ताकि एक दूसरे की सुरक्षा के लिए ये बेहद ज़रूरी और हम एक दूसरे को कोविड की बीमारी से बचा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।